हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो प्यारे बच्चों, अच्छे हो? ओके बेटा, तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर के साथ आप लोगों के सामने आए हैं जिसका नाम है वर्ड ऑर्गेनाइजेशन। जीके का चैप्टर नंबर सेकंड है आपका वर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारे विश्व के कुछ समूह या फिर कुछ संघ ऐसे हैं जिनको हम लोग देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि क्या कुछ है इनके, ये क्यों बनाए गए हैं और क्या इनका यूज़ है। और बच्चों, इससे पहले जो है कल मैंने एक चैप्टर आप लोगों को समझाया था, उसको भेजा था, तो आप लोग अपना बच्चों बुक वर्क फिल करिए और उसको डेली टू डेली लर्न किया करिए। ओके बेटा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वर्ड ऑर्गेनाइजेशन। पेज नंबर आपका है 6, वर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग बच्चों वैश्विक संघ कह सकते हैं। वैश्विक संघ कह सकते हैं, संघ का मतलब होता है ना बच्चों समूह। और ये चैप्टर आपका सेकंड है, चैप्टर सेकंड। चलिए बच्चों, सबसे पहले है यूनाइटेड नेशंस। बच्चों यूनाइटेड नेशन का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या होता है यूनाइटेड नेशंस का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको शॉर्ट में यूएन कहा जाता है। क्या कहते हैं यूएन। हमारे विश्व में बच्चों वर्ल्ड में दो बार वर्ल्ड वॉर हुआ, एक 1914 से 1918 तक जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा जाता है, और दूसरा बेटा 1939 से 1945 ये आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो बच्चों इतना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही देखा गया कि बहुत ज़्यादा जो है खून खराबा हुआ, पूरे विश्व के जो देश थे वो एक दूसरे से लड़ा करते थे, तो पूरे वर्ल्ड में पीस फाइंड करने के लिए, पूरे विश्व में शांति बनाने के लिए, और दूसरा दो देशों के बीच में अगर झगड़े हैं तो उसको सुलझाने के लिए एक जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, एक संस्था बनाई गई बच्चों, जिसको जो है यूनाइटेड नेशंस कहा जाता है। ये 24 अक्टूबर 1945 को जो है बनकर तैयार हुआ, और बच्चों इसीलिए इसको क्या कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस कहा जाता है। और 24 अक्टूबर को बच्चों एवरी 24 अक्टूबर को यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है, यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलो बच्चों आगे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। बच्चों सबसे पहले बेटा आपको दिया हुआ है एवरी मैच करना है, यहाँ पर बेटा ऑर्गेनाइजेशन दिए हैं, ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं, और यहाँ पर बच्चों हेडक्वार्टर्स है। क्या है हेडक्वार्टर्स। सबसे पहले बेटा WWF है, दूसरा है एमबीसी इंटर नेशनल, थर्ड है इंटरपोल, चौथा बेटा इंटरनेशनल रेड क्रॉस। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सॉरी थर्ड यहाँ है और फोर्थ यहाँ है। और बच्चों को इसका जो मतलब सही वाला जो साइन होता है या फिर जिसको कहते हैं जो करेक्ट मैचिंग है वो हम इसके यहाँ पर लेते हैं, फिर आपको जो अपने बुक में क्रॉस करके उसको सही कर देना। तो बच्चों WWF जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। कहाँ है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। दूसरा बेटा है लंदन यूके में, लंदन समझते ना बच्चों, नमस्ते लंदन नाम की एक मूवी भी आई थी, और यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम।
ग्रेट ब्रिटेन। थर्ड बेटा आपका है इंटरपोल का,
इमरजेंसी फंड, ओके बेटा। और उसका एक क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। एंड बेटा लास्ट है सी वाले सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल यूएनओ, यूएन के कौन है? एंटोनी गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है बेटा। अब देखो बच्चों वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि ये चीजें हैं क्या। तो बच्चों जैसे मैंने बताया कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, जब वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ, वर्ल्ड वॉर जब सेकंड जब फिनिश हुआ ना, तो दो बार वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा खून खराबा, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी की लॉस, यानी बहुत ज़्यादा पैसों की बर्बादी थी, ये संपत्ति की बर्बादी थी, बहुत ज़्यादा लोगों की जाने गई। तो जो वर्ल्ड के जो बड़े मतलब कंट्रीज थे, उन्होंने मतलब ये रियलाइज़ किया कि महसूस किया कि भाई अगर इसी तरह हम लोग लड़ते रहे तो एक दिन की सारी दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगी सिर्फ लड़ते लड़ते। तो उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना हम लोग एक ऐसी संस्था बनाए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो दो देशों के बीच में अगर जो लड़ाई हो उसको वो सुलझा सके। पूरे वर्ल्ड में अगर किसी भी कंट्री के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको वो रिजॉल्व कर सके, यानी उसको वो सुलझा सके, और उनको जो है अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उनकी भी सहायता कर सके। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, एक वैश्विक संस्था बनाई गई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ये तो बन गए। लेकिन सवाल ये भी आया कि बहुत सारे वर्क होते हैं, बहुत सारे मतलब एरिया हैं जहाँ पर हम लोगों को काम करना है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के और ऐतिहासिक इमारतें जो हैं उनकी सुरक्षा को लेते हुए, और किसी देश में अगर फूड की कमी है उनको देखते हुए, स्वास्थ्य को देखते हुए। तो इस तरह से बच्चों यूनाइटेड नेशंस में अलग अलग जो है एजेंसीज जो हैं निकल करके सामने आए। जैसे एक यूनाइटेड नेशन ही है लेकिन उसके उसको सहायता देने के लिए कई सारी एजेंसीज जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहला बेटा है फाओ। फाओ का मतलब होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, नाम से लग रहा है फूड एंड एग्रीकल्चर, यानी खाद्य और कृषि। किसी भी देश में बच्चों भोजन की समस्या है या खेती से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो वैश्विक लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे उसको सुलझाने का काम कौन करता है? फाओ करता है, वर्ल्ड एंड ऑर्गेनाइज फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर यानी इसको संचालित कहाँ से किया जाता है, कहाँ से इसको कंट्रोल करते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर है बच्चों रोम इटली में। कहाँ है बच्चों? रोम इटली में। आई बात समझ में? जैसे किसी देश की एक राजधानी होती है, राजधानी से उसको कंट्रोल किया जाता है, तो उसी तरह जो भी एजेंसी से बच्चों उसका एक क्या है, हेडक्वार्टर है। क्या कहते हैं? हेडक्वार्टर। और हिंदी में बच्चों इसको मुख्यालय कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्यालय। मुख्यालय को कैसे लिखा जाता है? मुख्यालय, ओके बेटा। चलिए सेकंड है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। किसी भी देश में पैसों की जब कमी होती है तब इसको पूरा करने का काम आईएमएफ करता है, और इसका हेडक्वार्टर हो चुका है वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी कहाँ है बच्चों? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। थर्ड बेटा डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है ना, तो किसी भी देश में बच्चों स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हैं तो उसको सुलझाने का काम या फिर उसको ठीक करने का काम कौन करता है? डब्ल्यूएचओ करता है। और इसका बच्चों में पहुंचा हुआ है जिनेवा स्विट्जरलैंड। यूनेस्को द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों एजुकेशनल यानी शिक्षा से संबंधित, साइंटिफिक, साइंटिफिक का मतलब विज्ञान से संबंधित, और कल्चरल यानी संस्कृति से संबंधित है ना, संस्कृति से संबंधित। जैसे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा ताजमहल हमारे देश में है, लाल किला है, ये सारी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों की जो सुरक्षा है उसकी देख
कौन करती है, ये एजेंसी है जिसका नाम है यूनेस्को, और इसका बेटा हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। एंड द लास्ट यूनिसेफ। बच्चों आज की डेट में अगर इंटरनेट पे अगर आप करोगे तो यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है वो क्या देगा, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड। बट इसको अगर देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म जो है पहले और आज भी मौजूद है, द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। बच्चों के लिए बच्चों किसी भी देश में अगर पैसों की ज़रूरत होती है तो उसका काम कौन देखता है, यूनिसेफ देखती है। और इसका बेटा हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क यूएसए में है। एंड सेक्रेटरी जनरल यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस है, जो इन सबों का जो मेन है यूनाइटेड नेशन, उसका बच्चों सेक्रेटरी जनरल यानी उसके जो मेन है जिसको हम लोग स्कूल का प्रिंसिपल कह सकते हैं, तो जो यूनाइटेड नेशन के जो मेन है उनका नाम क्या है, एंटोनी गुटेरेस है। क्या नाम है, एंटोनी गुटेरेस। इसको स्क्रीनशॉट आप करिए। ओके गाइस, एक बार और मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। अब बच्चों ये देखिए 1945 क्लास यहीं पर फिनिश होती है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, लव यू ऑल बच्चों, थैंक यू सो मच। अच्छे से बेटा अपना वर्क कंप्लीट करिए। बाय बाय।